चले बेटे, आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। बेटा आज की जो क्लास है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं अभी तक आप लोगों को बेटा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इस टॉपिक पर आपके साथ मैं वर्किंग कर रहा था। अभी मैं उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, बट आज की क्लास में मैं वैसे तो प्रैक्टिकली बताऊं तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर ही स्टैंड कर रहा हूं, लेकिन आज जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं उसमें मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन दोनों एक्टिविटी को भी मैं लेके चलूंगा। तो मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 19 है बेटा, अगर आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 19 है मेरे पास। अगर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 19 की बात करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप इसका पूरा फॉर्मेट मेरे साथ बनाकर चलेंगे कुछ ऐसे। आप बना लो बेटा फॉर्मेट, मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन करवा के बता रहा हूं, एंड आफ्टर दैट आज मैं थोड़ा सा होमवर्क आपको दूंगा, उसको अगर आप कर लेंगे तो एक लेवल पर आपका कैश फ्लो फिनिश हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेरे पास जो बेटा फर्स्ट लेवल बनता है उसका नाम है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट जो रहता है बेटा उसका नाम होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट करते हैं बेटा नेट प्रॉफिट के साथ एज पर बैलेंस शीट। मैं इसको नेट प्रॉफिट के साथ स्टार्ट करूंगा बेटा। ऐड इसमें करेंगे नॉन कैश आइटम्स, ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम्स, और बेटा इसमें लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इन सबके बाद ऐड करेंगे बेटा डिक्रीज इन करंट एसेट, जो फॉर्मेट मैंने आपको बार बार बताया बेटा मैं वही फॉर्मेट लेकर चल रहा हूं। ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इनका रिवर्स लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, नहीं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट। अगर इस क्वेश्चन में टैक्स पेड की फिगर है सबसे लास्ट में उसको लेस करेंगे, और अगर मैं ऐसा कर दूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक पार्ट जिसका नाम है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये बन जाएगा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये वाला पोर्शन आपका बन जाएगा। बी नंबर पर जो पार्ट बनेगा बेटा इसका नाम है नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
सेकंड पार्ट हम लोग बनाएंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब की बार मैं इसको बनाकर चल रहा हूं बेटा क्वेश्चन में, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसको मैं प्रिपेयर करके चल रहा हूं। और इसके बाद चार या पांच लाइन का स्पेस आप इसमें एक बार छोड़ दीजिएगा। सी पार्ट में बनाकर चल रहा हूं कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, और इसमें भी आप एक लेवल तक बनाकर छोड़ देंगे कुछ स्पेस। और जब ये तीनों एक्टिविटीज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके नीचे तीनों का जब रिजल्ट आएगा उसमें बेटा मैं ऐड कर दूंगा, तीनों एक्टिविटी का जब रिजल्ट आ जाता है मेरे पास, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल, आप एक एक करके वन बाय वन समझिएगा चीजों को, जब नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो निकल के आएगा बेटा, उसमें ऐड कर लेंगे आप ओपनिंग बैलेंस, ऑफ कैश। जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो वो क्लोजिंग कैश बैलेंस के इक्वल होना चाहिए, वो क्लोजिंग कैश बैलेंस के इक्वल होना चाहिए, वो क्लोजिंग कैश बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। मैं आपको आज पूरा आंसर मैच करके दिखाऊंगा, रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी कैसे बनेगा। आपके एग्जाम पेपर में जो 6 मार्क्स के लिए यूं कह लो कि क्वेश्चन जो पूछा जाना है, मैं उसके नियर बाय हूं आज। सही बात है बेटा, अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाएगा, स्टार्ट हम लोग करेंगे हमेशा नेट प्रॉफिट के साथ, स्टार्ट हम लोग करेंगे नेट प्रॉफिट के साथ। मैं थोड़ा आपको एक बार बैलेंस शीट स्टडी करना बताता हूं। जो मैं 19 इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं, अगर आप इसमें चेक करते हैं बेटा, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नाम से है ये। नंबर 1 पर शेयर कैपिटल गिवन है, आप चेक करेंगे तो डेटाबेस रिवर्स दिए हुए बेटा, पहले 2017 का डेटाबेस है, उसके बाद 16 का डेटाबेस है। तो हम लोग 16 से 17 पर चेक करेंगे। शेयर कैपिटल अगर आप चेक करेंगे, 30 से इंक्रीज होके 35,000 हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस 3500 से इंक्रीज होकर 22,000 हो गया। उसका नोट नंबर 1 हमें नीचे बना के दिया हुआ है। अगर आप नोट नंबर 1 पर जाते हैं तो जनरल रिजर्व है 9500 से 15,000, और पीएनएल 6,000 माइनस की फिगर है बेटा, ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये माइनस है। पीएनएल माइनस के 6,000 से प्लस के 7,000 पर है, तो उसका डिफरेंस चेंज इन प्रॉफिट बेस बनाएंगे। वापिस से अगर आप ऊपर आएंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको दिया हुआ है 21 से 25। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का डिटेल नीचे नोट नंबर 2 में है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमें गिवन है बेटा डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। ऊपर बैलेंस शीट पे आता हूं तो ट्रेड पेबल्स हैं करंट लायबिलिटी में 8500 से 12,500। फिर मैं आता हूं एसेट्स पर, तो एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स का ब्लॉक दिया हुआ है 32,000 से 41,000, जिसका नोट नंबर हमें बनाकर दिया हुआ है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट है 10,000 से 8,000, उसका भी नोट बनाकर दिया हुआ है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3,000 से 8,000 है, और इसका भी नोट नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 10% पर एनम।
करंट एसेट्स में इन्वेंट्री दिया हुआ है और कैश एंड कैश इक्वलेंट दिया हुआ है, और जहां ये नोट नंबर वन से लेकर नीचे नोट नंबर फाइव है उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी दो लाइनें लिखी हुई हैं। अगर आप चेक करोगे तो पहली लाइन लिखी हुई है डिबेंचर वर इशू ऑन 31 मार्च 2007, यानी कि जो डिबेंचर इशू हुए करंट ईयर में वो ईयर की एंड डेट पर हुए, एंड इन्वेस्टमेंट वर मेड एज ऑन 31 मार्च 2017, कि जो इन्वेस्टमेंट हमने ड्यूरिंग द ईयर की है वो भी ईयर के एंड डेट पर की है। ये डेट हमें क्यों मेंशन है? बिकॉज हमें इनके बिहाफ पर इंटरेस्ट की एंट्री बनानी है, वो मैं बना के चलूंगा अभी। अभी आप क्या करेंगे, जब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट हमेशा आप करेंगे बेटा ऊपर से नेट प्रॉफिट के साथ। नेट प्रॉफिट आपको कहां मिलने वाला है तो मैं बता दूं, नेट प्रॉफिट मिलने वाला है आपको रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस आप चेक कर रहे हैं तो उसका दिया हुआ है नोट टू अकाउंट, और जब मैं नोट टू अकाउंट पर जाता हूं तो मैंने क्या देखा रिजर्व एंड सरप्लस के नोट टू अकाउंट में, एक तो जनरल रिजर्व है जो कि 9500 से 15000 हो गया, मतलब करंट ईयर में हमने उसमें ट्रांसफर किया, और एक हमारे पास पीएनएल है जो कि माइनस के 6000 से प्लस के 7000 हुआ है। तो बेटा अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वो माइनस के 6000 से अगर प्लस के 7000 हुआ, इट मींस नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमने अर्न किया है 13000। आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर? बेटा ऐसा इसलिए, देखो अगर आपको मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ाई गई हो, एक लाइन पर जब आप लेते हैं डेटाबेस को तो मिडल में जीरो होता है, इसके इधर माइनस की फिगर होती है और इधर प्लस की फिगर होती है। अगर आपको, आपने पढ़ा हो मैथमेटिक्स में, अगर आपको याद हो तो जैसे मान लो मैं इनिशियल लेवल पर माइनस के 6000 पर स्टैंड कर रहा हूं और ईयर एंड पर मैं प्लस के 7000 पर स्टैंड कर रहा हूं, तो इसका मतलब है करंट ईयर में हमने जो डिस्टेंस कवर किया वो 13000 का डिस्टेंस कवर किया। पहले हमने लॉस कवर किया फिर हम लोग 7000 प्रॉफिट पर आए, इट मींस हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना हो गया 13000। अगर मैं इससे आगे बात करूं तो इसी क्वेश्चन में ट्रांसफर टू रिजर्व है बेटा, ट्रांसफर टू रिजर्व नॉन कैश आइटम है, ट्रांसफर टू रिजर्व हमें कितना दिया हुआ है 9500 से 15000, मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व है 5500, ये भी आ गया। पहले इतना समझेंगे फिर मैं आगे बता के चलूंगा। नेट प्रॉफिट का क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, सही बात है। अब इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका यह है कि आप ऊपर से स्टार्ट हो जाओ, बैलेंस शीट से, पहली फिगर से, जो फिगर जिस एक्टिविटी को रिलेट करेगी मैं उस फिगर को उसी एक्टिविटी में पुट करता जाऊंगा। पहली फिगर बैलेंस शीट में है जी शेयर कैपिटल, आप खुद बताएं शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी को बिलोंग करता है? फिनेंशियल एक्टिविटी को। शेयर कैपिटल में चेंज क्या हुआ है? शेयर कैपिटल 30000 से इंक्रीज होके 35000 हो गया। शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज होता है 5000 तो आप इसको क्या मान लेंगे कि वो इंक्रीज किस वजह से हुआ? शेयर इशू हमने ड्यूरिंग द ईयर किया होगा, और अगर हमने शेयर इशू किया 5000 तो ये बताइए इशू ऑफ शेयर करने से कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? इनफ्लो हुआ। इनफ्लो हुआ तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फिनेंशियल। तो मैं क्या करूंगा, इश्यू ऑफ शेयर 5000 है और क्योंकि ये फिनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है तो यहां मैं लिखने वाला हूं इश्यू ऑफ शेयर्स, और ये अमाउंट है 5000 तो ये मैंने यहां आके प्लस कर दिया। ये वाली बात आप बताएं क्लियर है क्या? यस या नो? आगे बढ़ो, बैलेंस शीट के साथ चलूंगा। आप समझ पा रहे हो मैं कैसे कर रहा हूं? बोलिए।
अगर मैं बैलेंस शीट की नेक्स्ट फिगर चेक करूं, शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट फिगर क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। वो मैंने मेरे ख्याल से डील कर लिया। उसके आगे आ जाओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना से कितना हुआ बताइए? 21 से 25। और नोट नंबर दिया हुआ है 2। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नोट पर चलते हैं तो क्या है उसमें? 10% डिबेंचर्स। बात को पूरा सुन के चलना बेटा। 21 से कितना हुआ? 25। कितना इंक्रीज हुआ? अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इंक्रीज होगा तो किस वजह से इंक्रीज होगा? इश्यू आपने किया होगा। अगर आपने इश्यू किया तो बेटा इश्यू ऑफ डिबेंचर है ये, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 4000। ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। पहले मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात क्लियर है क्या? बट इसमें एक चीज इंप्लाइड है जो आप इग्नोर करेंगे, ये गलती मत कर देना। डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये बताओ? 10%। ओपनिंग में डिबेंचर कितने हैं? 21। क्लोजिंग में कितने हैं? 25। कितने इंक्रीज हुए? जो 4000 इंक्रीज हुए मतलब ड्यूरिंग द ईयर इशू किए। आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि डिबेंचर आर इशूड ऑन क्लोजिंग डेट। मिल गया? यानी कि जो 4000 के डिबेंचर हैं, स्क्रीन पर आओ, हमारे पास डिबेंचर ओपनिंग में कितने रुपए के रहे होंगे? 21। क्लोजिंग में कितने हैं? 25। 4000 के जो इशू किए, इसने ये बात हमें बता दी कि भाई ये 4000 वाले इशू क्लोजिंग डेट पर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा ओपनिंग में अगर 21 रहे थे तो पूरा ईयर डिबेंचर आउटस्टैंडिंग कितने थे? 21। तो पूरा ईयर डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आपने ईयर एंड पर इन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे किया होगा 2100। यस या नो? क्योंकि अगर डिबेंचर आउटस्टैंडिंग होंगे, उनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, तो हमें इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना पे किया होगा हमने डिबेंचर्स पर? 21। और उसको राइट ऑफ कहां से किया होगा? पीएनएल से। जबकि वो पीएनएल का पार्ट नहीं होता, डिबेंचर पर पे किया गया इंटरेस्ट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है? फिनेंशियल का। तो बात सुनो, अगर आपने डिबेंचर पर इंटरेस्ट इतना कैलकुलेट कर लिया तो डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए? फिनेंशियल। बट बेटा हम लोग क्या करते हैं, जब पीएनएल बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को पीएनएल की डेबिट में ही लिखते हैं अकाउंटिंग में। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2100 आप नॉन कैश आइटम मानकर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो करेंगे ऐड। ये ट्रीटमेंट होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो करेंगे ऐड, यस या नो? और फिनेंशियल एक्टिविटी में जाकर करेंगे लेस। फिनेंशियल एक्टिविटी में जाकर करेंगे लेस इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 2100 यहां करेंगे आप लेस। ये वाली बात बताएं, क्लियर है क्या? सही बात है। वापिस से बैलेंस शीट पर आ जाओ। आपको समझ में आ गया पैटर्न कैसे चलाना है? मैं चल तो रहा हूं बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। जहां मेरी बैलेंस शीट का डिटेल बनता है वहां मैं क्या करता हूं, बैलेंस शीट को उसका नोट टू अकाउंट को मैं यूज कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तक मैं आपको ले आया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद फिर मेरे पास है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में मेरे पास है ट्रेड पेबल। आप देखेंगे 8500 से 12500। अगर ट्रेड पेबल 8500 से 12500 है मतलब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी यानी इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 4000 रुपीज एड हो जाएगा। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जी करंट एसेट्स, सॉरी
लाइबिलिटीज खत्म, एसेट्स पर आ जाओ। एसेट्स में मेरे पास है पहले नंबर पर टेंजिबल एसेट्स, 32 से 41 है बेटा। लेकिन टेंजिबल एसेट्स को आप देखें नीचे नोट टू अकाउंट बनाकर दिया हुआ है। जब मैं नोट टू अकाउंट पर जाता हूं तो टेंजिबल एसेट्स में क्या लिखा हुआ है पढ़िए। एक तो मशीनरी है 41 से 54 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 9 से 13। अगर आप एसेट की बात करें 41 से 54 तो डिफरेंस क्या माना जाएगा, परचेज, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। परचेज ऑफ मशीनरी 41 से 54 हुई है, 13,000 की जो मशीनरी परचेज की है ये कौन सी एक्टिविटी में माइनस हो रहा है, इन्वेस्टिंग, क्योंकि आप मशीनरी परचेज करोगे कैश का आउटफ्लो होगा और कौन सी एक्टिविटी के लिए होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए होगा। मशीनरी खरीदोगे तो कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए, इन्वेस्टिंग का पार्ट है ना। और इसी के नीचे प्रोविजन आपको बनाकर दिया हुआ है 9 से 13, तो 4000 का जो प्रोविजन आपने बनाया होगा पीएनएल से बनाया होगा, तो पीएनएल में वापसी ऐड कर दो नॉन कैश आइटम में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम मानकर वापस से ऐड कर दीजिए। ये वाली बात आप बताएं क्लियर है क्या सभी को, सही है। टेंजिबल एसेट में मशीनरी का जो डिफरेंस है वो परचेज मान लिया, प्रोविजन का जो डिफरेंस है वो करंट ईयर में हमने प्रोविजन मेंटेन किया होगा ऐड हो जाएगा। वापसी बैलेंस शीट पर आओगे तो इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट 10 से 8 हो रहा है बेटा, इनटेंजिबल एसेट 10 से 8 हो रहा है। और जब मैं इसके नोट टू अकाउंट पर जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, गुडविल है जो कि 10 से 8 हो गया, मतलब गुडविल 2000 जो डिक्रीज हुई है वो राइट ऑफ की होगी और गुडविल रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो रिटर्न ऑफ की है ये ऐड हो जाएगा। सही बात है। वापसी बैलेंस शीट पर आए, टेंजिबल एसेट का डिफरेंस देख लिया, इनटेंजिबल का देख लिया, उसके बाद है जी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो ये चेक करो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3000 से कितना हो गया 8000। नॉन करंट एसेट अगर इंक्रीज हुआ है तो इट मींस आपने परचेज किया। अब परचेज किया तो सबसे पहली बात सुनो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर आप परचेज करोगे तो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट कितना परचेज किया बेटा, परचेज किया है बेटा आपने 5000, तो ये परचेज कौन सी एक्टिविटी का पार्ट मान लेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मान लेंगे। ये वाली बात बताएं क्लियर है क्या, यस या नो। बट इसमें फिर एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, इंटरेस्ट का रेट गिवन है 10%। और एक बात सुनिए, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी एक बात गिवन है कि इन्वेस्टमेंट जो करंट ईयर में परचेज की वो एंड ऑफ द ईयर परचेज की है। इसका मतलब ये देखिए, इन्वेस्टमेंट इनिशियल हमारे पास थी 3, क्लोजिंग में हमारे पास है 8, 5000 की जो परचेज की है वो एंड डेट में परचेज की है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब पूरा साल आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी रही थी 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसके ऊपर 10%, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की इनकम कितनी आई होगी 300। पहले ये बताओ ये क्लियर है क्या। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव है ये, अब इंटरेस्ट रिसीव कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए। बट जनरली क्या होता है, जब हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है तो हम उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं, पीएनएल की क्रेडिट साइड, उसको हम अब क्या मान के चलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ये होगा, अगर जो इंटरेस्ट रिसीव है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो 300 बनता है बेटा, वो यहां से तो लेस हो जाएगा ये अज्यूम करके कि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और यहां से लेस होने के बाद
ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 300 रुपीज की जो इनकम हुई उससे कैश इंक्रीज हुआ है, यहां ये प्लस हो जाएगा। सही बात है, यस या नो? फिर से बैलेंस शीट पर आएंगे। हां जी बेटा, हां जी। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद, फिर हमें दिया हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमें दिया हुआ है 6000 से 24500। बेटा इन्वेंट्री होता है करंट एसेट, और अगर करंट एसेट इंक्रीज हुआ, इन्वेंट्री अगर इंक्रीज हुआ, उसको करेंगे लेस। और उसके बाद लास्ट में मेरे पास है बेटा कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। ओपनिंग बैलेंस है 12, क्लोजिंग बैलेंस है 13। क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जितना क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाया ये समझ में आ रहा है? इसको अगर बेस बनाकर चलें, स्क्रीन पर आ जाओ बेटा, यहां से स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट था 13,000, एड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, एड करेंगे इंटरेस्ट, एड करेंगे प्रोविजन, एड करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एड करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट। इन सारी बातों को प्लस माइनस कर दें तो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा 11,800। और 11,800 यहां टैक्स पेड कुछ भी नहीं है, तो बेटा 11,800 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिजल्ट आ गया। पहले ये समझें तो मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है हमारे पास? 11,800। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 13,000, 5,000 माइनस करेंगे 300, 17,700 रुपए। ये माइनस की फिगर आ गई, इसे हम लोग नाम देंगे नेट कैश यूज लिखेंगे बेटा, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज्ड लिखेंगे बेटा, माइनस है तो यूज्ड लिखेंगे। और आप फाइनेंशियल एक्टिविटी पर जाएंगे तो 5 + 4 माइनस का 21, तो ये 6900 प्लस का आंसर आ रहा है, तो इसको लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इसे लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अगर इन सारी बातों को मैं समझ के चलूं ना बेटा, ये 6900 आ गया। और अगर मैं तीनों एक्टिविटी की बात करूं तो बेटा ऑपरेटिंग का रिजल्ट कितना पॉजिटिव मैंने शो किया, 11,800। स्क्रीन पर यहां लिख लेता हूं। फाइनेंशियल का कितना पॉजिटिव शो किया, 6,900। और इन्वेस्टिंग का कितना नेगेटिव शो किया, 17,700। अब चिपकाओ मत, पहले बात को सुनो। इसका मतलब यह है कि मैंने करंट ईयर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना कैश कमाया था, फाइनेंशियल एक्टिविटी ने मेरे को इतना कैश दिया। अब ये जो पैसे मेरे पास आए, इसमें से 17,700 मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज कर लिए। अगर मैं तीनों एक्टिविटी की बात करूं, 11,800 एक एक्टिविटी से आया, 6,900 एक एक्टिविटी से आया, ये हो गया टोटल 18,700, जिसमें से 17,700 मैंने यूज कर लिया। तो इन तीनों एक्टिविटी का नेट रिजल्ट क्या बना, 1,000 इनफ्लो बच रहा है।
1000 क्या बच रहा है, तीनों का इनफ्लो। आउटफ्लो को मैं काट देता हूं, नेट कैश इनफ्लो कितना आ गया ये बताओ, 1000। पहले ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या, यस या नो? तीनों एक्टिविटी का ये नेट रिजल्ट है, क्लियर? अब फिर मैं क्या देखूंगा, अभी मैंने बैलेंस शीट की एक फिगर छोड़ रखी है, कैश बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस बताओ मेरे पास कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 12,000। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास है 12,000। अब ओपनिंग में मेरे पास 12,000 कैश पड़ा था, 1,000 करंट ईयर में और इनफ्लो आ गया, तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, चेक करो बैलेंस शीट में। ये ऐसे रिजल्ट बनेगा जी, इसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है आपको? ये अंदाजा लग गया होगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। मेरा काम रट्टे मरवाने का नहीं है, मैं आपको जब आज आपको थोड़ा एक बार ये कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा कि यार ये कैसे हो रहा है, जब मैं इस तरह के बार बार तीन चार क्लास रिपीट करूंगा ना बेटा, तो ये चीज आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि कैसे सीक्वेंस में चलाना है। मैंने जानबूझ के आज तीनों एक्टिविटी बना के दिखाई है, जबकि आप बुक में देखेंगे आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना के दिखाया गया। मैंने तीनों एक्टिविटी इसलिए बनाई है ताकि एक बार आपका माइंड सेट हो जाए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली चीज क्या है। सही बात है? एक बात बता दूं मैं फिर सभी को कि मैं कैश फ्लो को बहुत ऊपर के लेवल तक ले जा सकता हूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सीखना चाह रहे हैं। हाँ, ये मेरा प्रोमिस है, आपकी बुक में जितना लेवल है आपको एक बार मैंने करवा दिया, आपको ये लगेगा ये कुछ भी नहीं था। आपको वैसे दिमाग में एक डर था आपके दिमाग में कि कैश फ्लो बड़ा चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर है, बिल्कुल इजी है ये चैप्टर, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग लेने की बात है। अब मैं आपको क्या काम दे रहा हूं वो समझ लो, आपका काम है अप टू 24 कर लेने का, अप टू 24 ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना ले, और अगर कोशिश करें तो 19 और 21, ये दो ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आप पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैंने बना के दिखाया है ये आप बना सकते हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, बाकी अगले जितने भी क्वेश्चंस हैं एडवांस वहां तो मैं तीनों एक्टिविटी बना के चलूंगा ही चलूंगा। सही है जी, आज के लिए इतना करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करें।